सब्सक्राइब करें कैपिटल न्यूज पलामू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। आखिरकार पलामू पुलिस पूरे देश में कानून को चकमा दे रहे शातिर लुटेरों तक पहुंच जता दिया कि पलामू पुलिस इज द बेस्ट। यहां जुर्म करना मतलब कानून के फंदे में फंसना है। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे, जिस खबर का इंतजार आप पिछले 10 दिनों से कर रहे थे उसका उद्भेदन कमोबेश पलामू पुलिस ने कर दी है। जी हां, अब तक की 54 लाख रुपए नगद वाली सबसे बड़े लूटकांड का करीब करीब खुलासा हो गया है। हालांकि अभी आधे से अधिक यानी 35 लाख रुपए बरामदगी की खबर आई है, पर जल्द ही पुलिस कप्तान हर पहलू को मीडिया के सामने ले आएंगे। सीसीटीवी फुटेज में दिखी लुटेरों की बाइक के मालिक के नाम के सहारे पलामू पुलिस पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के राजागंज थाने पहुंच गई, जिसके किराए के मकान में ही लुटेरे राजागंज के ईरानी बस्ती में रहा करते थे। दरअसल जारी स्केच पलामू पुलिस का सटीक निशाने पर बैठ गई। मकान मालिक से मिले उनके मोबाइल नंबर के सहारे पुलिस फाटा पुकुर पहुंच, जहां 2 दिन के इंतजार और घेराबंदी के बाद 35 लाख रुपए जब्त करने में प्रशासन सफल हो पाई है। साथ ही कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। यही वजह है कि पलामू एसपी को कैप्टन कुल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिन्होंने शांत चित अंदाज में रूटीन वर्क को संपन्न करते हुए भी सर माथे पड़े चर्चित लूट कांड के जड़ तक पहुंचने में भी कामयाबी पाई है। हालांकि अभी तक 35 लाख रुपए बरामदगी के अलावे एक भी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है, पर पड़ोसी राज्य बिहार और बंगाल में चल रही रेड में अंतर्राज्यीय गिरोह का बड़ा पर्दाफाश करने में कारगर साबित हो सकता है। थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा, मगर इतना तो तय है कि पलामू के पैसे पर कोई परदेसी पापी परिंदा पर मारे और पलामू पुलिस से परे हो, ये संभव नहीं है।